न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के साथ ही क्या न्यूज अंगों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुके हैं या ये जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी, तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, तो कोई भी अरेस्ट अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पर कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसको अभी वो आंकड़े मैं अभी साथ नहीं लेके हैं मेरे पास, पर ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। नशे को लेकर जो है काफी गंभीर है, तो पुलिस गंभीरता से ले रहा है और समय समय पर जो है जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरसा जिला की खासतौर बात करते हैं, वो रेड लाइन पे है। सीएम साहब ने भी कहा कि जो नशे की जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो है सिरसा जिले से आ रही है। अभी SP साहब ने भारी मात्रा में जो है वहां नशीले पदार्थों को पकड़ने में भी काफी अपने कामयाबी प्राप्त की है, तो जागरूक अभियान कितना आपके लिए सार्थक साबित हो पा रहा है? देखिए, जो जागरूकता का अभियान है, जैसे अभी साइक्लोथॉन आपने देखा वो चल रही है आजकल, और ये सब अभियान एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हैं। उनको स्पेसिफिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि उसका कितना मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना इम्पैक्ट आया, पर हाँ उससे एक माहौल बनता है और माहौल बनने से एक सार्थक वो पहल है और उसका अच्छा असर आता है। तो इसमें डिमांड साइड पे खासतौर पे जो यंग लोग हैं, जो किसी वजह से जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है नशे में फंसने की, तो उन लोगों को एक बार सोचने का मौका मिलता है जब उनसे हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं, तो उनको जो इस किस्म के परिस्थितियां बनती हैं जिससे वो नशे में फंसते हैं तो वो कम होती हैं। तो डिमांड साइड पे भी जितना भी इम्पैक्ट आएगा उतना सप्लाई अपने आप कम होती है, तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी रफली। तो लेकिन दोनों ही बातें हैं, एनफोर्समेंट भी करनी है हमने, सप्लाई साइड को अटैक करना है और डिमांड साइड पे लोगों को मोटिवेट करना है नशे से बाहर निकलने के लिए। तो उसमें ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स और ये सारी हैं ये काम करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसी मॉनिटरिंग के लिए कुछ? वो सब ये तो अदालतों के स्तर पर भी किया जा रहा है और हमारे नोटिस में कुछ भी ऐसा आता है उस पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और एक्शन भी होता है। तो कोई भी हेट स्पीच के ऐसे केसेस जो आते हैं उनमें बहुत सारी FIRs हमारे स्टेट में हुई हैं पिछले कुछ समय में।